यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामत वापसी के लिए खरगोन के प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की गई। खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने नवग्रह मंदिर में भगवान से सबकी सलामती के लिए पूजा अर्चना कर प्रार्थना की है। देखिए खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पूरे विश्व में तनाव का माहौल है। भारत के कई छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए वो भी युद्ध के चलते फंसे हुए हैं, जिसको लेकर भारत सरकार उनकी वतन वापसी के लिए प्रयास कर रही है। अभी तक कई छात्र सकुशल भारत लौट भी चुके हैं। इसी कड़ी में छात्रों की सलामती और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर में बगलामुखी देवी सहित नवग्रह भगवान की पूजा अर्चना कर उनकी सलामती की प्रार्थना की है। खुशी के साथ में हो और कहीं ना कहीं अभी इस देश में या दुनिया में एक परिस्थिति बनी है कि यूक्रेन में जिस प्रकार से रूस के द्वारा हमला किया गया और वहाँ पर हमारे कई भारतीय नागरिक और हमारे कई विद्यार्थी भी हैं वो सुरक्षित यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारी मंत्री श्रीमती लाखी जी, हमारे माधवराव जी, ये सब चीज़ लोग मिलकर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं कल भी हमारे यूक्रेन में फंसे कुछ परिवारों से मिला था, कुछ फ़ोन पर सब बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, वो सुरक्षित भी हैं और कहीं ना कहीं आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी देश की सरकार के मंत्रियों से भी हमारी चर्चा चल रही है। निश्चित तौर पर वो भी मैंने बाबा से प्रार्थना करी है कि वो भी सुरक्षित रहे और जल्दी ही वो अपने देश में लौटें, इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं और बाबा का भी आशीर्वाद उनको मिलता रहे। निश्चित तौर पर जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग भी सेवा के नाम पर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी, आज इस विकट परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता मैदान में सहयोग कर रहे हैं। और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यालयों से मैंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है, उनसे संपर्क भी रहा, उनकी पूरी डिटेल जानकारी भी ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रदेश के क्षेत्र के सभी जो विद्यार्थी हैं या नागरिक हैं वो सुरक्षित वहाँ रहें और यहाँ आने के लिए उनको प्रॉपर उनको मदद की जाए। यूक्रेन में फंसे छात्रों की शीघ्र वतन वापसी के लिए सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन देश भर के मंदिरों में भी छात्रों की सलामती के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, खरगोन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।